अस्सलाम वालेकुम। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाला इदारा लेडी हलीमा बेगम उर्दू अंग्रेज़ी प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से मैं समीना असलम खान आज आपके सामने विषय मराठी कक्षा पाँचवीं घटक जाड़ांचा मूल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि है शल नाइक। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैं है कविता पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। डोळे उघडून म्हणाला फूल, झाडांचा मी आहे मूल, अंगावर माझ्या कपडे रंगीत, वाराचा मी ऐकतो संगीत, फुलपाखर मला भेटायला येतात, भोवती भुंगे गाणी गातात, उन्हात मी मांडतो खेळ, मजेत जातो सारा वेळ, झाडांचा मी खांद्यावर बसतो, आनंदाने मी गालात हसतो। बहुत अच्छी कविता है बच्चों। अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी किताब में देखेंगे, मैं आपको एक एक ओड़ी जो है आपको समझाने वाली हूँ। तो इस कविता में जो बच्चों, एक फूल जो है लहान मुलांशी बोलता है, एक छोटा फूल जो है एक छोटे बच्चे से बात कर रहा है। अब देखो सब, डोड़े उघड़ून म्हणाला फूल। अब जैसा तस्वीर में दिखाया गया है, डोड़े उघड़ून, जैसी सुबह होती है, सकाड़ होती है, तो झाड़ पर क्या खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है, जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है। और वो डोड़े उघड़ून यानी आंखें खोलकर फूल क्या कह रहा है, झाड़ांचा मी आहे मूल, झाड़ का मैं क्या हूँ, मूल हूँ, मूल यानी के बाढ़, मूल यानी क्या, बाढ़। तो यहाँ पर जो है कवि क्या बता रहे हैं कि सुबह सुबह सकाड़ उस वक्त जो है झाड़ पर एक फूल जो है खिला हुआ है, और वो अपनी आंखें खोलकर जो है क्या कह रहा है, कि मैं झाड़ का क्या हूँ, बाढ़ हूँ। अब बच्चों आगे की देखो कविता में, आगे की ओड़ी देखो। अंगावर माजा कपड़े रंगीत, वारा चमी एक तो संगीत। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है, अंगावर माझा कपड़े रंगीत यानी माझा पाकड़ावर वेगवेगड़े रंग आहेत, यानी मेरे जिस्म पर अलग अलग रंग के कपड़े हैं। यहाँ पे कवि ने जो है, जो फूल अलग अलग रंग के होते हैं ना, फूल बहुत होते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे अलग अलग रंग के खूबसूरत फूल होते हैं, तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया है, इन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वारा चमी एक तो संगीत। अब यहाँ पे देखो, वाराच मी ऐकतो संगीत यानी वाराच गोड़ संगीत मी ऐकले। सुबह सुबह जब हवा चलती है तो फूल जो, और उस वक्त जो हवा जब चलती है और उस वक्त जो आवाज़ आती है, तो यहाँ पे कवि ने उसको क्या कहा है, संगीत कहा है। और वो संगीत जो है कौन सुन रहा है, फूल सुन रहा है। आगे देखो बच्चों, फूलपाखर मला भेटायला येतात। फूलपाखर, फूलपाखर यानी तितलियाँ, फूलपाखर यानी क्या, तितलियाँ। मला जो है तरह तरह की फूलपाखरे भेटायला येतात, मुझे अलग अलग तरह के जो है तितलियाँ भेटायला यानी के मिलने के लिए आते हैं। भोवती भुंगे गानी गातात आणि माझ्या सभोवती भुंगे जो है छान गानी गातात। भुंगे यानी के बच्चों भौरे, भूंगे यानी क्या, भौरे, और मेरे आसपास क्या करते हैं, वो मंडराते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो क्या गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि फूल पाखर जो है मुझे मिलने के लिए आते हैं और वो मेरे आसपास मंडराते हैं भौरे, तो ऐसा लगता है कि वो एक तरह का गाना गा रहे हैं। जिस तरह देखो तस्वीर में दिखाया गया बच्चों, फूल जो है तितली को देख रहा है ना, और उसके आसपास जो है भौरे जो है मंडरा रहे हैं। अब आगे देखो, उन्हात मी मांडतो खेळ, मजे तिजातो सारा वेळ। उन्हात, उन्हात यानी कि बच्चों धूप, उन्हात यानी क्या, धूप। अब जो सुबह सुबह की जो धूप होती है, सकाड़चा उन्हात, क्या कह रहा है फूल, मी सकाड़चा उन्हात खेड़ते, सुबह सुबह जो धूप निकलती है तो मैं किसके साथ खेलता हूँ, धूप के साथ में खेलता हूँ बच्चों। जिस तरह तस्वीर में बताया गया है कि सुबह के वक्त जो है फूल किसके साथ में खेल रहा है, उन्हात, ऊन के साथ में, धूप के साथ में खेल रहा है। मजेत जातो सारा वेर, मजेत मतलब आनंद आने जो है, मेरा पूरा वक्त गुजर जाता है, खेलता ना माजा सगड़ा वेर आनंदाने जातो, यानी खेलते खेलते मेरा जो वक्त है एकदम हंसी खुशी गुजर जाता है। झाड़ांचा मी
खांद्यावर बसतो, झाडांच्या मी खांद्यावर बसतो, आनंदाने मी गालात हसतो। क्या कह रहा है यहाँ पे फूल, मी झाडांच्या खांद्यावर बसतो। अब फूल जो है क्या बता रहे हैं कि मैं झाड़ का क्या हूँ, बच्चा हूँ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो मेरा क्या है, वडिल है। झाड़ जो मेरा क्या है, वडिल है, मेरा बाप है ना, मेरे वालिद है। तो मैं क्या करता हूँ, उनके खांद्यावर कंधे पर बैठता हूँ, और आनंद आने जो है मी गालात हंसतो, और मैं खुशी खुशी क्या करता हूँ, अपने गालात में क्या करता हूँ, मैं हंसता हूँ। तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया है, झाड़ जो है फूल का क्या है, वडिल आहे, काय आहे, वडिल आहे, अन खांद्यावर बसते आणि आनंदाने काय करते, गालात हंसते। और मुझे लगता है आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होंगी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, कठिन शब्द अपनी CW में लिखेंगे और प्रश्नों के उत्तर अपनी CW में लिखेंगे।